हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण नोट्स को लेके ये वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसमें इतिहास के क्वेश्चन हमेशा आते जाते रहते हैं। तो हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम अलग अलग टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं। तो आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके सारे एग्जाम के लिए। ये वीडियो हर तरह के टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो सिख परंपरा के गुरु, उनकी कार्य विशेषता है। ठीक है, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। इनका ये कब इनका से काल कब तक था? 1469 से 1538 के बीच। ये सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल और कर्मकांड का विरोध इन्होंने किया था। दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। ये 1538 से 1552 के बीच हुए। इनका इन्होंने महत्वपूर्ण के कार्य थे गुरु नानक के विचारों को सरल भाषा में प्रचार, और गुरु नानक देव के शिष्य थे ये। ठीक है, गुरु अमरदास ये 1552 से 1574 तक रहे। ये सिख संप्रदाय का संगठित किया और अपने शिष्यों को परिवार से का उपदेश दिया। वो गुरु अंगद के शिष्य थे। सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, गुरु रामदास 1574 से 1581। अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। अब गुरु का पद पैतृक बन गया था, उनके घर वालों को ही मिलता था। ठीक, गुरु अर्जुन दास 1581 से 1605। सभी गुरुओं का उपदेश संकलय आदि ग्रंथ में किया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। जहांगीर ने राजद्रोह के जुर्म में उन्हें फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद 1606 से 1664 ईसा तक रहे। इन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया। शाहजहां के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। गुरु हर हर 1664 से 1661 द्वारा इनका सम्मान करता था। गुरु हर किशन 1661 से 1664 उत्तराधिकार के लिए राम राय से विवाद। तेग बहादुर 1664 से 1665 औरंगजेब की नीतियों का विरोध, जिसके फलस्वरूप उनका वध करा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 पटना में जन्म हुआ। पहुल नामक दीक्षा की प्रणाली कायम है कि इस दिवस को स्वीकार करने वाले खालसा कहलाए, जिन्हें सिंह की उपाधि दी गई। सिख के केस सिख के केस कंघा कृपाण कक्ष और कड़प रखने का आदेश दिया। उन्होंने पूरा ग्रंथ दसवें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया। वो अंतिम सिख गुरु थे।